प्रिय स्टूडेंट, आप सभी का यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसी सिंगल फेज मोटर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो पिछली बार सीबीटी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे और इस बार भी ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सभी मिनी पीडीएफ से लिए गए हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ए लेंज का नियम, बी जूल का नियम, सी फैराडे के विद्युत अवघटन का नियम, डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसका सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर ए लेंज का नियम। अगला सवाल है, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं अस्थाई संधारित्र मोटर, इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। सही विकल्प बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थाई संधारित मोटर, क्योंकि यहाँ पे जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये परमानेंटली स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसे अस्थाई संधारित मोटर कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ए लेंज का नियम, बी जूल का नियम, सी फैराडे का विद्युत अवघटन नियम, डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकल चरण प्रेरण मोटर किस प्रकार निर्दिष्ट करता है? आप फिगर देख रहे होंगे, फिगर को देख के आप लोग आंसर दे सकते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं कि दो कैपेसिटर लगा हुआ है, एक परमानेंट जुड़ा हुआ है, एक अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस मोटर का नाम क्या हो जाएगा? इस मोटर का नाम हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो कुछ ऐसे सिंगल फेज मोटर होते हैं जिसमें कम्यूटेटर लगा होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए स्टेपर मोटर, बी प्रतिकर्षण मोटर, सी आच्छादित पोल मोटर या डी अस्थायी संधारित्र मोटर। तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षण मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए फेज विभाजन की विधि, बी परिवर्ती आपूर्ति वोल्टेज विधि, सी इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों का उल्टा या डी रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पीड फेज मेथड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? चलिए विकल्प देखते हैं। आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर देख के आप लोग बता सकते हैं ये कौन सा मोटर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सही आंसर दीजिए। ए अस्थाई संधारित मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सी इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर
डी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये होगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? इस कैपेसिटर का कार्य पूछ रहा है कि ये क्यों लगाया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए निरंतर गति बनाए रखें, बी पावर फैक्टर में सुधार, सी ओवरलोडिंग से बचाएं, डी संपर्कों पर स्पार्क कम करें। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप स्विच देख रहे हैं, स्विच में स्पार्क न हो, यहाँ पे स्विच है ये, इसमें स्पार्क न हो, इसके लिए कैपेसिटर पैरेलल में लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो पीवीसी कवर तांबे के तार, या बी सुपर एनामेल्ड, या ऑप्शन नंबर सी सिंगल कार्टन कवर कॉपर वायर, या डी डबल कपास कवर तांबे के तार। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीवीसी कवर तांबे के तार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पीवीसी कवर तांबे के तारे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर को कम स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है? यानी एसी सिंगल फेज मोटर का वह कौन सा टाइप है जो कम स्टार्टिंग टार्क पे भी स्टार्ट हो जाती है? तो ए इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, डी प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। सही ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन जाता है प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसमें कम स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? ऑप्शन ए निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन बी आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, ऑप्शन सी रनिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करना, ऑप्शन डी मोटर को ओवरलोडिंग से बचाएं। कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन जाता है आरंभिक बाइंडिंग को वियोजित करना, ठीक है। आरंभिक बाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग बाइंडिंग को क्या करता है? अलग कर देता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? जेट पंप ए, बी भोजन मिक्सर, सी टेली प्रिंटर, डी कंप्रेसर। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, भोजन मिक्सर। अगला प्रश्न देखते हैं, बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? चलिए ऑप्शन देखते हैं,
ऑप्शन नंबर ए प्रतिकर्षण मोटर, बी आच्छादित पोल मोटर, सी अस्थायी संधारित मोटर, डी संधारित प्रारंभ संधारित रन मोटर्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जाता है, प्रतिकर्षण मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? ए दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, बी रनिंग बाइंडिंग कम होगी और स्टार्टिंग बाइंडिंग अधिक होगी, सी रनिंग बाइंडिंग अधिक होगी और स्टार्टिंग बाइंडिंग कम होगी, डी रनिंग बाइंडिंग कम होगी और स्टार्टिंग बाइंडिंग अनंत होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। और रनिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जाता है, रनिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है और स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आच्छादित पोल मोटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्षमता बढ़ाए, ऑप्शन बी निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन सी रोटर घुमाव शुरू करें, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करें। तो इसका सही ऑप्शन जाता है, रोटर घुमाव शुरू करें, यानी मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक क्वाइल लगाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति टर्मिनलों को बदलकर, ऑप्शन नंबर बी संधारित कनेक्शन को बदलकर, ऑप्शन सी मुख्य बाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके, ऑप्शन डी दोनों मुख्य सहायक बाइंडिंग टर्मिनलों को इंटरचेंज करके। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि ये क्लास क्यूज़ की है, तो जितना आप आंसर देंगे उतना आपका अच्छा अभ्यास होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरचेंजिंग मेन वाइंडिंग टर्मिनल, यानी मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके। अगला प्रश्न देखते हैं। किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? ए यूनिवर्सल मोटर, बी आच्छादित पोल मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, डी कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, आच्छादित पोल मोटर या अस्थायी संधारित्र मोटर? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं और इसको दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। अगला प्रश्न है, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। ए 45 इलेक्ट्रिकल डिग्री,
60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री या 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए स्टेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? ए, आकार में छोटा होता है। बी, उच्च क्षमता वाला होता है। सी, शांत प्रचालन करता है। या डी, कम त्रुटि प्रचालन। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? शांत प्रचालन करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे ध्यान से देखिए। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? ए, यूनिवर्सल मोटर। बी, प्रतिकर्षण मोटर। सी, आच्छादित पोल मोटर। डी, संधारित प्रारंभ मोटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संधारित प्रारंभ मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? ए, यूनिवर्सल मोटर। बी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। सी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। डी, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्रित स्विच का कार्य क्या है? ए, अतिभार से बचाता है। बी, निरंतर गति बनाए रखता है। सी, मोटर ओवर लोडिंग से बचाए रखता है। या डी, आपूर्ति से शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़े रखता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जाता है, मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग बाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई, यानी सप्लाई से स्टार्टिंग बाइंडिंग को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है अपकेंद्रित स्विच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें? ए, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। बी, घुमावदार संधारित्र पर संधारित्र का उपयोग करना। सी, स्विच द्वारा केज रोटर बाइंडिंग को बदलना। डी, स्विच द्वारा फील्ड क्वाइल बाइंडिंग को इंटरचेंज करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, और एक बार समझ में न आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट टू वीडियो लाने वाले हैं इसके बाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।